कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ राखी सावंत थाने पहुंच गए हैं। राखी सावंत ने दिग्विजय के खिलाफ मुंबई के गोरेगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपने वकीलों से दिग्विजय के खिलाफ मानहानि का नोटिस जारी करने के लिए भी कहा है। कल इस बाबत पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करेंगे। सीधे रुख करना चाहेंगे अपने संवाददाता विद्या का, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रही है। विद्या, क्या डिटेल्स हैं इस शिकायत के? ये दरअसल कल जैसे ही ये मामला सामने आया था, तभी जब राखी से बात हो रही थी तो वो उस समय भी काफी नाराज लग रही थी। उन्होंने कहा, साफ कहा था, ये जिस तरह से दिग्विजय जी ने उनके बारे में कहा है, वो उनकी बेइज्जती है, ये जबरदस्ती उनको इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है, और इसी वजह से वो नाराज होकर उन्होंने यहाँ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई की जो बात कही थी, और उसके बाद उन्होंने अपने वकीलों, जो लीगल उनके पास जो पैनल है, उससे बात किया। उन सब ने उन्हें कहा कि पुलिस कमिश्नर से मिलना चाहिए, पुलिस की मदद लेनी चाहिए कि आखिरकार एक महिला की इज्जत का सवाल है यहाँ पर। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर उन्होंने मुंबई पुलिस की जो गोरेगांव की जो पुलिस स्टेशन है, उनका घर उसी इलाके में आता है, वहां पर जाके कंप्लेन दर्ज की है। इसके अलावा वो कल मुंबई पुलिस के कमिश्नर से मिलने का प्लान कर रही है। अगर आज उनकी कार्रवाई, उनके कहने पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो वो कल मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास जाएंगी। शुक्रिया, शुक्रिया विद्या हमारी संवाददाता मुंबई से। तो कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ राखी सावंत थाने पहुंच गई है, और राखी ने दिग्विजय के खिलाफ मुंबई के गोरेगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई है।